आपने अक्सर ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने सार्कोपेनिया के बारे में सुना है? नहीं ना, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। बुढ़ापे में मसल लॉस या सार्कोपेनिया एक आम समस्या है। ये लगभग 40 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 60 साल के बाद तेजी से बढ़ती है। इस कंडीशन में धीरे धीरे मसल मास, ताकत, फंक्शन खोने लगता है। इसका असर मूवमेंट पर पड़ता है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और गिरने या फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता है। बुढ़ापे में मसल लॉस के मुख्य कारण जैसे कि हार्मोनल बदलाव में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन जैसे हार्मोन्स की लेवल कम होने लगती है, जो मसल को मेंटेन करने में और बढ़ाने में मदद कर। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी से मसल्स कमजोर होने लगती है, क्योंकि मसल को स्ट्रांग बने रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सही मात्रा में प्रोटीन लेना ना लेना और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी मसल्स को खराब होने में योगदान कर। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक चलने वाली हल्की सूजन मसल्स के ब्रेकडाउन को तेज कर देती। एज रिलेटेड कंडीशंस लाइक डायबिटीज, आर्थराइटिस, कार्डियोस्केल समस्याएं यानी हार्ट की समस्या मसल लॉस को और बढ़ा देती। इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे करें? रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स मसल की स्ट्रेंथ बनाए में रखने में मदद कर सकते। प्रोटीन रिच डाइट, बड़े लोगों के मसल मास मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत। लीव मीट, डेयरी प्रोडक्ट, दालें और प्रोटीन सप्लीमेंट्स इसमें मदद कर सकते। सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्रिएटिन मसल्स को मेंटेन रखने में फायदेमंद हो सकते। फिजिकल थेरेपी, जिन लोगों को मूवमेंट की समस्या है उनके लिए गाइडेड एक्सरसाइज रूटीन मसल लॉस को रोकने में मददगार हो सकता है। सार्कोपेनिया को मैनेज करना जरूरी है ताकि बुढ़ापे में लाइफ की क्वालिटी बनी रहे और इंडिपेंडेंस बरकरार रहे और गिरने या चोट लगने का खतरा कम हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें और याद से ये चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।